जय श्री कृष्णा। राधे राधे आप सभी भक्तों को। आप सभी ने कृष्ण और राधा की प्रेम कहानियाँ और कृष्ण और रुक्मणी के विवाह की कहानियाँ तो जरूर ही सुनी ही होंगी। कि क्या राधा और रुक्मणी दोनों ही श्री कृष्ण की संगिनियाँ थी? क्या भगवान विष्णु के अवतार में दोनों ही माता लक्ष्मी के रूप में जन्म लेती हैं? कौन है लक्ष्मी, राधा रानी या फिर माता रुक्मणी? तो आज के वीडियो में हम यही जानेंगे। तो आइए जानते हैं सबसे पहले वह मत जिससे राधा रानी को लक्ष्मी स्वरूपा माना जाता है। तो इस बारे में यह कथा प्रचलित है कि एक बार भगवान विष्णु वैकुंठ में आराम कर रहे थे तो तभी क्रोधित ऋषि भृगु उनके पास आए। वे अत्यधिक क्रोधित थे क्योंकि भगवान विष्णु ने उनकी पत्नी का वध किया था। वास्तव में ऋषि भृगु की पत्नी उन्हें बिना बताए असुरों को आश्रय दे रही थी, इसलिए नारायण ने उनकी पत्नी का वध किया था। किंतु पत्नी वियोग में क्रोधित ऋषि भृगु ने नारायण को श्राप दिया कि जिस प्रकार मैं अपनी पत्नी का वियोग सह रहा हूँ, उसी प्रकार तुझे भी अपनी पत्नी का वियोग सहना पड़ेगा और अपने हर अवतार में अपनी लक्ष्मी से अलग हो जाओगे। इसी कारण भगवान राम और सीता का भी वियोग हुआ था और इसी कारण हम देखते हैं कि भगवान विष्णु के हर अवतार में उन्हें माता लक्ष्मी से वियोग सहना पड़ता है। कृष्ण अवतार में उन्होंने राधा से वियोग सहा था। इस आधार पर माना जाता है कि राधा रानी भी लक्ष्मी स्वरूपा ही रही होंगी। किंतु श्री कृष्ण जी को 12 वर्ष तक वियोग तो रुक्मणी जी से भी सहना पड़ा था। लेकिन अगर इस श्राप को सच माना जाए और रुक्मणी जी को माता लक्ष्मी कहा जाए, तो इस श्राप के प्रभाव के कारण भगवान श्री कृष्ण और रुक्मणी का विवाह संभव नहीं था। तो रुक्मणी जी कौन थी, यह प्रश्न अत्यधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। तो सभी ग्रंथों, शास्त्रों और भागवत में यही प्रमाणित है कि लक्ष्मी स्वरूपा माता रुक्मणी को ही माना जाता है। माता रुक्मणी को ही लक्ष्मी का साक्षात रूप माना जाता है। इसके अलावा महाभारत में भी एक लक्ष्मी रुक्मणी संवाद हमें देखने को मिलता है कि जब भीष्म युधिष्ठिर को लक्ष्मी रुक्मणी संवाद बताते हैं, जिसमें लक्ष्मी जी ने स्वयं रुक्मणी से कहा कि मेरा निवास तुम में और राधा में दोनों में समान रूप से है। इसके अलावा वेद व्यास जी ने श्रीमद् भागवत पुराण में माता लक्ष्मी को रुक्मणी स्वरूपा माना है। वो कहते हैं कि जब भगवान विष्णु राम है तो माता सीता लक्ष्मी है और जब भगवान विष्णु कृष्ण है तो माता राधा लक्ष्मी स्वरूपा है। एक और उदाहरण हम देखते हैं जब हनुमान जी भगवान श्री कृष्ण से मिलने आए, क्योंकि वह सच्चे भक्त थे तो उन्हें श्री कृष्ण और माता रुक्मणी में साक्षात राम और सीता के दर्शन हुए थे, यानी भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी के। इसके अलावा स्कंद पुराण में यह साफ कहा गया है कि रुक्मणी द्वारिका की शोभा है तो राधा वृंदावन की। रुक्मणी जी द्वारिका की लक्ष्मी है तो राधा वृंदावन की लक्ष्मी है। इसके अलावा एक कथा और है जो रामायण काल से जुड़ी हुई है, जिसके अनुसार वनवास से पहले राम जी वास्तविक सीता को अग्निदेव को सौंप गए थे और रावण ने जिस सीता का हरण किया था वह छाया सीता थी। जब रावण का वध करके राम जी छाया सीता को ले जा रहे थे, तब छाया सीता ने राम जी से कहा कि मैंने आपके लिए इतने कष्ट सहे हैं, तो अब मैं चाहती हूँ कि आप मुझे अपनी पत्नी बनाएं। अब मैं आपके पास से कहीं नहीं जाऊंगी। तब राम जी ने कहा उनके साथ अनंत काल तक पूजी जाएंगी और वो वास्तविक सीता को लेकर अयोध्या चले गए और यही छाया सीता आगे चलकर राधा रानी के रूप में जन्म लेती है। अगर स्पष्ट रूप से माना जाए तो राधा और रुक्मणी दोनों ही लक्ष्मी का रूप थी। ये वही महालक्ष्मी थी जिन्होंने संसार को प्रेम की परिभाषा समझा दी और ये वही लक्ष्मी थी जो द्वारिका में श्री कृष्ण जी के साथ उनकी संगिनी के रूप में आजीवन उनके साथ रही। इसलिए कहा जाता है कि माता रुक्मणी और राधा रानी दोनों ही लक्ष्मी स्वरूपा है, दोनों को ही लक्ष्मी का रूप माना जाता है। आपको यह वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट में जरूर बताना। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।